हम लोग पढ़ रहे हैं जैफ परक्रम, और जैफ परक्रम में इस बात को हम लोग ने देखा कि इसका पहला टॉपिक है पोषण यानी न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग बींग्स और सजीव मौजूद हैं वो ज़िंदा रहने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के दो मेथड, दो विधि को हम लोग जाना, एक स्वपोषी एक परपोषी। स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं परपोषण, और परपोषण में मामला आता है जंतुओं के बारे में, यानी आज का टॉपिक होगा हम लोगों का जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण की अगर बात की जा रही है तो जंतु किस तरह के पोषण को परफॉर्म करते हैं, अगर इसको देखा जाए तो जंतु सबसे पहले किस तरह के पोषण को परफॉर्म करते हैं, इसका जवाब, इसका आंसर होगा परपोषण को, क्योंकि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तौर पर हरे पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। जंतुओं की बात अगर की जाती है तो जंतु जो होते हैं वो परपोषण में पांच स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पांच चरण में परपोषण पूरा होता है। पहला स्टेप कहलाता है अंतर्ग्रहण इंजेशन, दैट मीन्स कोई भी लिविंग बींग्स भोज्य पदार्थ को इनटेक करेगा हाथ से, अगर उसके पास है तो हाथ से लेगा, हाथ नहीं है तो अपने चोंच से, अपने मुंह से, अपने जबड़ा से उसको लेगा, दैट इज़ कॉल्ड अंतर्ग्रहण इंजेशन, खाने को अंदर लेना। दूसरा आता है हम लोगों का पाचन, जैसे ही खाना उसके बॉडी में गया, चाहे हाथ से जाए या मुंह से ले या चोंच से ले, तो वो उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ता है, दैट मीन्स कि उसको पचाना शुरू कर देता है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। तो भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तीसरा स्टेप होता है अवशोषण। अवशोषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो अवशोषण मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, जो भी खाना पच रहा है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तीसरा आता है स्वांगीकरण एसिमिलेशन, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी जो है वो पाचित भोजन को अपने बॉडी के, अपने शरीर के अंदर घुलाती है, मिला लेती है जो तरल पदार्थ होता है उसके साथ, दैट इज़ कॉल्ड स्वांगीकरण, अंग्रेजी में इसको एसिमिलेशन हम लोग कहते हैं। और उसके बाद ये चारों प्रक्रिया के बाद कुछ ऐसे पदार्थ भी बचते हैं जो बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है जिन पदार्थों की, या बॉडी जिस पदार्थ को नहीं चाहता है तो उस पदार्थ को बॉडी बाहर निकालता है। तो बॉडी के जरिए, शरीर के जरिए उस पदार्थ को बाहर निकालना कहलाता है बहिष्करण या इजेशन। जंतुओं में पोषण की बात अगर हम लोग करते हैं तो जंतु दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एकोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर एकोशिकीय जीव का सेंस क्या होता है, वैसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं जैसे अमीबा। मल्टीसेलुलर वैसे जीव जो बहुत सारे कोशिका के बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो अमीबा में पोषण के लिए अमीबा के स्ट्रक्चर को देखना होगा, उसकी आकृति, उसकी संरचना को देखना होगा। और हम जानते हैं कि अमीबा ऐसा जंतु है जिसमें किसी भी, जो कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, दैट मींस कि अमीबा का शेप इरेगुलर होता है। इसलिए अमीबा के शेप इरेगुलर होने के बिना पर इसके जो आउटर सेक्शन जो डेवलप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कूटपाद, अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया। जब इस कूटपाद के डिप्रेस पार्ट में, गड्ढे वाले सेक्शन में कोई भोज्य पदार्थ आता है तो वो आसानी से कूटपाद और अपने आप को डिप्रेस करता है ताकि वो भोज्य पदार्थ और अंदर की तरफ आ जाए, फिर नीचे से टूट करके ऊपर से कवर कर लेता है ताकि वो कंप्लीट उसके अंदर आ जाए। जैसे फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि भोज्य पदार्थ यहाँ नज़र आ रहा है, और सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि जैसे ही कूटपाद की तरफ भोज्य पदार्थ बढ़ा नीचे से वो टूट गया। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से ज्वाइन हो गया,
ताकि वो भोज्य पदार्थ बाहर नहीं भाग सके। तो जैसे ही ऊपर से ज्वाइन करता है ये भोजन इसके बड्डी के अंदर आ गया, कहलाएगा अंतग्रहण। उसके बाद इसके चारों तरफ एक रसधानी इस भोज्य पदार्थ को कवर कर लेती है, घेर लेती है, जिसको बोलते हैं भोजन रसधानी। भोजन रसधानी ही क्या करता है कि इस भोज्य पदार्थ को पचाता है। पचाने के बाद जो अवशोषण हुआ वो बॉडी में इसके लग जाएगा और जो व्यर्थ पदार्थ वेस्ट मटेरियल बचेंगे वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार जंतुओं के एक कोशिकीय जीवों में अमीबा में पोषण होता है। अब हम लोग बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव की। तो बहुकोशिकीय जीव में अगर बात करेंगे तो बहुकोशिकीय जीव में हम लोग मनुष्य को लेंगे, और मनुष्य की अगर बात करेंगे तो मनुष्य के लिए बाकायदे एक टॉपिक लगेगा, मनुष्य में पाचन, या दैट मींस कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और मनुष्य में अगर पाचन की बात करते हैं हम लोग, तो मनुष्य में पाचन तंत्र दो सेक्शन से, दो अलग अलग भाग से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल और पाचन ग्रंथि। आहार नाल की अंग्रेजी होती है एलिमेंट्री कैनाल, और पाचन ग्रंथि की अंग्रेजी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आहार नाल में अलग अलग अंग होते हैं। सबसे पहले आता है माउथ, मुंह। माउथ वो पार्ट है जिसके जरिए खाना अंदर लिया जाता है। उसके बाद माउथ के अंदर, मुंह के अंदर तीन इम्पॉर्टेंट मुख्य अंग होते हैं, जबान, टंग, दांत, टीथ, और मुंह के ऊपरी सरफेस को हम लोग बोलते हैं तालू, अंग्रेजी में पैलेट। जैसे ही खाना मुंह में आता है तो दांत, जबान और तालू तीनों ही खाने को चबाने में मदद करते हैं। जबान और तालू खाने को एक पार्ट से दूसरे पार्ट, जबान और तालू खाने को एक पार्ट से दूसरे पार्ट दांत के नीचे भेजता है, तथा लार ग्रंथि जो लार स्रवित करती है, जबान उस लार को खाने में अच्छे से मिलाता है। और खाने में लार मिल जाता है तो दांत उस खाने को आसानी से चबा लेता है। चबाने के बाद छोटा छोटा निवाला या बोलस, जिसको बोलते हैं लकमा, बनता है, और वो हलक से नीचे उतरता है। हलक को हम लोग बोलते हैं फायरिंग्स, ये कहलाता है कंठ या फायरिंग्स। उसके पास सांस वाली नली भी होती है, जिसके हम लोग बोलते हैं विंड पाइप और ट्रैकिया। चूँकि हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं इसलिए उसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। दोनों का पाथ फायरिंग्स सेम होता है। उसके बाद जैसे ही फायरिंग्स से खाना आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के बाद जिस रास्ते से वो स्टोमिक अमाशय तक पहुँचता है, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, यानी कि खाने वाली नली, अंग्रेजी में ओसोफेगस, हिंदी में ग्रसिका। यहाँ से खाना सीधा आ जाता है हमारे अमाशय में, और अमाशय में खाना आकर के कुछ देर तक ठहरता है। खाना कितनी देर अमाशय में ठहरेगा ये डिपेंड करता है खाने में मौजूद इंग्रेडिएंट्स, किस तरह का खाना हम लिया है, आइदर खिचड़ी और थिनर वाला बिस्किट या बिरयानी और एक्सेट्रा। वो खाने के इंग्रेडिएंट पर डिपेंड करता है कि खाना हमारे स्टोमिक में कितनी देर तक ठहरेगा। जब खाना यहाँ आ गया तो स्टोमिक के अलग अलग पार्ट होते हैं, वहाँ खाना पचता है। वहाँ से जैसे ही आगे निकलेंगे तो खाना खाना इंटेस्टाइन में जाएगा, आँत में जाएगा। आँत को दो डिवीज़न में बांटा गया है, एक है छोटी आँत, दूसरी है बड़ी आँत। जो आँत छोटी है, जिसका नाम दिया गया है, उसकी लंबाई अधिक होती है। नाम छोटी आँत इसलिए दिया गया क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। बड़ी आँत की लंबाई कम होती है लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो छोटी आँत में खाना आता है, छोटी आँत में खाना आएगा, और जो खाना नहीं पचा होता है स्टोमिक अमाशय तक, वो छोटी आँत में पूरी तरीके से पच जाता है। उसके बाद छोटी आँत सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करता है। वहाँ से खाना आगे बढ़ करके बड़ी आँत में आता है। ये वह हमारा बड़ी आँत, ये वह हमारा छोटी आँत। बड़ी आँत में आता है
बढ़िया आँख में पाचन का काम नहीं होता है, बल्कि बढ़िया आँख में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी कि अवशोषण का। बढ़िया आँख में पचे हुए भोज्य पदार्थ को में मौजूद यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो सीधा बड़ी आँत से होते हुए रेक्टम तक आता है, और रेक्टम किसके साथ आगे बढ़ के हमारे बड़ी से बाहर निकल मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये हुआ हमारा वो पार्ट, वो सेक्शन जहाँ से मल के रूप में वेस्ट मटेरियल, अनपचा खाना बाहर निकलता है बॉडी से। जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आँत और बड़ी आँत जुटती है, वहाँ पर हमारे बॉडी में ख़ास अंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अंग जो है वेस्टिजियल अपशिष्ट अंग है, वेस्टिजियल है क्योंकि इसका हमारे पूर्वजों में इस्तेमाल होता था, लेकिन हम लोगों में इसका यूज़ नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शनलेस ऑर्गेन है हम लोगों के बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के आहार नाल में अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, मुंह, जबान, तालू, दांत, खाने वाली नली, स्टोमिक जिसको आमाशय कहा गया, आँत, आँत का दो पार्ट हुआ, छोटी आँत बड़ी आँत, दोनों जिस जगह पर मिलता है उसको सेसम बोलते हैं, और सेसम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो हमारे पूर्वजों में यूज़ होता था, लेकिन आज इसका यूज़ नहीं है। अब आहार नाल के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि है क्या? वैसे ग्लैंड्स, वैसी ग्रंथि जो भोज्य पदार्थ के पाचन में अलग अलग बायोकेमिकल्स और एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, उसको हम लोग पाचन ग्रंथि कहते हैं। जैसे हम लोगों के मुंह के अंदर खाने को सॉफ्ट करने के लिए और अच्छे से मिलने के लिए जो ग्रंथि सिक्रीट करती है केमिकल्स, उसको बोलते हैं लार ग्रंथि, और ये लार को सिक्रीट करती है जिससे खाना सॉफ्ट होता है। लार का सिक्रीशन हमारे माउथ में होता है। उसके बाद स्टोमिक की अगर बात करें तो हमारे आमाशय में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाचक ग्रंथि। ये अलग अलग तरह के पाचक रस रिलीज करता है जो खाने को पचाने का काम करता है। स्टोमिक में ही HCl का सिक्रीशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो स्टोमिक के मीडियम को, स्टोमिक के अंदरूनी भाग को अम्लीय बनाता है ताकि विभिन्न तरह के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएं और खाने को पचाने में काम करें। उसके बाद आगे आता है पैंक्रियाज। ये हमारा पैंक्रियाज है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अग्नयाशय। पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक एमिलेज सिक्रीट करता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और लीवर के ज़रिए सिक्रीट होता है बाइल जूस जिसको हिंदी में बाइल रस कहते हैं। ये बाइल जूस क्या करता है कि वसा का पाचन करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना इमल्सिफिकेशन कहलाता है, और ये प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि वसा आसानी से पच जाए। तो ये हमारे बॉडी के ग्लैंड्स हुए जो खाने के पाचन में मदद करते हैं। हम लोगों के बॉडी के अंदर जब खाना पच जाता है तो खाना के पचने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है, और अवशोषण के लिए हम लोग के बॉडी में जो इंटेस्टाइन होते हैं अर्थात छोटी आँत और बड़ी आँत, उसमें जबान के जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से ऊपर नीचे, जिसको हम लोग विली बोलते हैं, और इसके ऊपर भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है जो कहता है माइक्रोविली। असल में इसका काम यह है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ताकि आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। तो इससे हम लोगों का जैव परक्रम का पहला टॉपिक जो पोषण था,
और पोषण प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों ही पूरा हो गया। थैंक यू।